रामगढ़ के कुजू में भी ईडी ने छापेमारी की है। इजहार अंसारी के ओम हार्ड कोक प्लांट में ईडी की टीम ने छापा मारा है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता धर्मेंद्र। जिले के बोंगाबार स्थित ओम कोक में ईडी की छापेमारी चल रही है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ईडी की छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये ओम कोक हजारीबाग के प्रसिद्ध कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी का है। इजहार अंसारी इन दिनों जो है ईडी के सख्त निशाने पर है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो झारखंड सरकार द्वारा जो कोल लिंकेज का मामला है, उसमें घोटाला जो है इनका आरोप इन पर है। आज इजहार अंसारी के नाम पर कुल 13 कंपनियां हैं और ईडी की जब पिछले बार जो छापेमारी हुई थी, इजहार अंसारी के घर से लगभग 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। साथ ही साथ ईडी ने इस पूरे मामले में पाया था कि 13 कंपनियों में झारखंड सरकार द्वारा 2021-22 में 22,000 मीट्रिक टन कोयले का आवंटन किया गया है, जबकि अधिकांश जो है इनकी कंपनियाँ बंद पड़ी है। यानी बंद कंपनियों में भी जो है राज्य सरकार द्वारा जो सब्सिडी पर लिंकेज कोयला लिया जाता है वो इनको उपलब्ध कराया जा रहा था और ये कहीं ना कहीं इसको बाजार मंडी में बेचा करते थे। तो इस तरह से लगातार इजहार अंसारी के जितने भी ठिकाने हैं, चाहे वो आवास है या फिर जो है इनके जो कोल या फैक्ट्री या हार्डकोक है, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है और लगातार दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या पूरा मामला है। कर्मी पहुँचे हुए हैं ईडी के, जो बताया जा रहा है 2 गाड़ियां यहां पे मौजूद है जो है प्लांट के अंदर है और लगातार जो है जांच की जा रही है। कुछ अब ऐसे में देखना होगा कि जब यहां से ये कर्म निकलते हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है या क्या कुछ ये मीडिया को बता पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।